हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए संदीप अरोड़ा कृष्ण कॉमर्स क्लासेस लुधियाना से आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूं, जो है अकाउंट्स के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। में आपको बताया जाता है कि कैसे जो अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस हैं वर्क करती हैं। हमारी जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में ट्रांसैक्टेड होती हैं, उसका जर्नल एंट्री से लेकर बैलेंस शीट तक कैसे इम्पैक्ट होता है, कैसे हमारा डबल एंट्री सिस्टम वर्क करता है, कैसे एक ट्रांजैक्शन जो है वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है, डबल एंट्री सिस्टम जो हमारा है कैसे वर्क करता है, उसके ऊपर है। राइट, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त आपका ना वेस्ट करते हुए। अकाउंटिंग इक्वेशन में नंबर वन है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। हर एक जो ट्रांजैक्शन है उसके दो एस्पेक्ट हैं। फर्स्ट वन इज डेबिट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट। अकाउंटिंग इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो स्टेटमेंट है एसेट्स एंड लाइबिलिटी के बारे में। अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेटेड दैट एवरी टाइम ए ट्रांजेक्शन टेक प्लेस दिस इज ऑलवेज टू साइडेड इफेक्ट। जैसे मैंने आपको बोला, हमारी जो ट्रांजेक्शन होती है, कोई भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसका दो साइड रिजल्ट निकलता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारा डेबिट और क्रेडिट का रूल है, डेबिट और क्रेडिट का प्रिंसिपल है, वो क्या है, एक प्लस है तो एक माइनस। अगर डेबिट प्लस है तो क्रेडिट माइनस है, अगर क्रेडिट प्लस है तो डेबिट क्या है, माइनस। राइट, फॉर एग्जांपल आपने एक फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर अगर आप परचेज करोगे तो फर्नीचर आपके पास आएगा, फर्नीचर क्या हो गया, रियल अकाउंट जो हमारा रियल नेचर है उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, डेबिट। और जो हमारा कैश है वो चला गया, फर्नीचर प्लस हो गया, कैश माइनस हो गया, मतलब फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। ऐसे हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो वर्क करता है। जैसे कि नंबर वन मैंने आपको बताया, हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। नंबर थ्री, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसके दो साइडेड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। दूसरा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। जैसे कि आप बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा जानते होंगे, बैलेंस शीट में हमारे सबसे पहले लाइबिलिटी साइड इधर कैपिटल आती है, नंबर टू लाइबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें, जैसे कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, बैंक लोन, अदर लोन्स, फिर करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। राइट हैंड साइड अगर एसेट्स पे आ जाएं, एसेट में सबसे पहले फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। राइट, जैसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको बताया, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। दूसरा क्या बन सकता है अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। राइट, चलिए फ्रेंड्स एक एक करके मैं आपको ट्रांजैक्शन की कंप्लीट डिटेल बताता जाता हूं, उससे क्या है आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारे अकाउंट्स के बारे में, आगे जितनी भी ट्रांजैक्शन जो है वर्क करती हैं, प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट सब कुछ आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा। जैसे कि पहली ट्रांजेक्शन अगर हम एग्जाम्पल में ले तो, कैश इंट्रोड्यूस इन टू द बिजनेस बाई प्रोप्राइटर। अगर प्रोप्राइटर ने कैश इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, जैसे कि मान लो आपके घर में कैश पड़ा है, इधर आपका ऑफिस है, आपने ये कैश बिजनेस में ले आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब रिजल्ट्स क्या निकलेगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या रिजल्ट आएगा, एसेट साइड आपका कैश आ जाएगा और लाइबिलिटी साइड कैपिटल में अमाउंट आ जाएगी, कितनी, जितनी भी आप बिजनेस में लेकर आए हो। राइट,
सेकेंड ट्रांजेक्शन जैसे कि फर्नीचर परचेज ऑन कैश, जैसे मैंने आपको कहा फर्नीचर आपने अगर खरीदा है, एग्जाम्पल में लिया था मैंने कि फर्नीचर अगर आपने खरीदा है तो आपके पास फर्नीचर आया है और कैश गया है, यहां पे राजा फर्नीचर है जिसके पास फर्नीचर है, इधर हमारा बिजनेस है और हमारे पास बिजनेस में कैश है, हमने क्या किया फर्नीचर परचेज किया, हमारे पास फर्नीचर आ गया और कैश हमने पे कर दिया, राइट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में रिजल्ट्स क्या निकला, जो हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें क्या हुआ, एसेट साइड फर्नीचर आ गया जो प्लस हो गया और कैश एसेट साइड में ही कैश माइनस हो गया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया फर्नीचर भी एसेट है कैश भी एसेट है, फर्नीचर आया तो वो प्लस हो गया, कैश गया वो माइनस हो गया, तो बैलेंस शीट कुल मिला के एसेट साइड एज इट इज वैसे ही रही, लाइबिलिटी साइड में कोई चेंज नहीं, लाइबिलिटी और कैपिटल में कोई चेंज नहीं, राइट। थर्ड केस है हमारा गुड्स परचेजेस ऑन कैश, अब इसमें क्या हुआ, इधर हमारा बिजनेस है हमारे पास कैश है, हमने क्या किया गुड्स खरीदी और कैश को पे कर दिया, राइट। तो रिजल्ट्स क्या निकला इसमें, रिजल्ट इसमें ये निकला हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में, हमारे पास स्टॉक आ गया मतलब प्लस, कैश माइनस हो गया कैश चला गया और कैपिटल में और लायबिलिटी साइड कोई चेंज नहीं हुआ। गुड्स परचेज करी आपने, गुड्स परचेज करी आपने, स्टॉक आ गया और कैश चला गया, राइट। परचेजेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर आपने गुड्स परचेज करी हैं, गुड्स परचेज करी हैं क्रेडिट पे तो क्या हुआ, एक तरफ आपके पास स्टॉक आ गया, दूसरी तरफ आपके क्रेडिटर खड़े हो गए, तो हुआ क्या, स्टॉक आ गया आपके पास प्लस और लायबिलिटी साइड क्रेडिटर खड़े हो गए, लायबिलिटी साइड क्रेडिटर आ गए। नंबर फाइव, गुड सोल्ड फॉर कैश, इधर आपने क्या किया, आपके पास गुड्स हैं, कंज्यूमर को आपने गुड्स बेच दी और उसने आपको कैश दे दिया, राइट। रिजल्ट्स क्या निकला, स्टॉक आपका माइनस हो गया और कैश प्लस हो गया, राइट। और इक्विटी और कैपिटल में नो चेंज, राइट। मतलब कुल मिला के हर ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है, आपके पास एक इनफ्लो है, एक प्लस हो रहा है एक माइनस, एक चीज आ रही है एक चीज जा रही है। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड की हैं, तो इस केस में हमारे पास बिजनेसमैन के पास क्या है गुड्स, इधर कंज्यूमर्स हैं, गुड्स हमारी चली गई कस्टमर को हमने दे दी और हमारी बुक्स में वो क्या खड़ा हो गया, डेटर के तौर पर, राइट। अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब बैलेंस शीट में एसेट्स में स्टॉक माइनस हो गया और डेटर खड़े हो गए प्लस हो गए और कैपिटल में लायबिलिटी साइड नो चेंज, राइट। यहां पर क्या था, हमने गुड्स बेची हैं क्रेडिट पे, गुड्स जा रही हैं और कैश तो आ नहीं रहा, क्रेडिट पे हम बेच रहे हैं तो वो एसेट साइड डेटर खड़े हो गए, डेटर रिकॉर्ड हो गए। रेंट पेड, इधर हमें हमारे पास कैश है, हमने क्या किया, हमने कोई बिल्डिंग हमने कोई प्लांट मशीनरी कुछ भी रेंट पे ली हुई थी, उसके लिए हमने क्या पे किया, कैश। तो
हुआ क्या, एक तो कैश हमारे पास चला गया, कैश मतलब माइनस, कैश हमारा माइनस हो गया, आया तो हमारे पास कुछ है नहीं, हमारा क्या हुआ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस होने से इनकम प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट जो इफेक्टेड है कहां पर होती है कैपिटल में, उससे हमारी कैपिटल रिड्यूस हो गई, राइट यहां पर कैपिटल पे फर्क पड़ा, क्योंकि एक्सपेंसेस जब आप पे करते हो, एक्सपेंसेस जब आप पे करते हो तो आपके पास पेमेंट तो हो रही है, कैश तो जा रहा है पर आ कुछ नहीं रहा, दूसरी तरफ क्या हुआ कैपिटल फर्क पड़ गया, राइट। नेक्स्ट है सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, इस केस में हमने अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट किया इन फॉर्म ऑफ सैलरी, इधर हम बिजनेसमैन है, कैश है हमारे पास, हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की है, तो उस केस में क्या हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या रिजल्ट आया, कैश चला गया माइनस और कैपिटल भी माइनस हो गई, राइट। नेक्स्ट है फर्नीचर सोल्ड एट प्रॉफिट, फर्नीचर सोल्ड एट प्रॉफिट, इधर फर्नीचर सेलर था जिसके पास कैश है, जो क्या है फर्नीचर खरीदता भी है, जो पुराना फर्नीचर है वो खरीदता है, हम जो है हम कोई बिजनेस हमारा फर्नीचर का तो है नहीं, राइट, हमारा बिजनेस किसी और चीज का है, पर हमने जो फर्नीचर था एज एन एसेट रखी हुई थी उसको हमने क्या किया सोल्ड कर दिया किसी को, राइट, एट ए प्रॉफिट। हो सकता है आपका जो फर्नीचर है जिसकी बुक वैल्यू है 5000, आपने वो 5000 का फर्नीचर 6000 का बेच दिया, 5000 का फर्नीचर 6000 में बेच दिया, अब उससे हुआ क्या, 5000 का फर्नीचर आपने 6000 में बेचा तो आपके पास 6000 कैश आ गया, गया 5000 का फर्नीचर है और आपको प्रॉफिट कितने का, मुनाफा कितने का हो गया 1000 का। अब जो 1000 का मुनाफा प्रॉफिट है वो कहां पर फर्क डालेगा, कैपिटल के ऊपर, देख लेते हैं। फर्नीचर हमने क्या किया बेचा, हमारे पास कैश आ गया, राइट, अब रिजल्ट क्या निकला अकाउंटिंग इक्वेशन में, फर्नीचर माइनस हो गया और कैश प्लस हो गया, कितना, जैसे मैंने आपको बोला 5000 का फर्नीचर हमने कितने में बेचा 6000 में, 5000 का फर्नीचर हमने कितने में बेचा 6000 में, 5000 का जो फर्नीचर है वो माइनस हो गया, कैश 6000 प्लस हो गया, राइट, कैपिटल में प्लस हो गया, कितना कैपिटल प्लस हो गया 1000, जैसे मैंने आपको बोला 5000 का फर्नीचर 6 में बेचा तो 1000 प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो है कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है, राइट, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। टेंथ, फर्नीचर सोल्ड एट लॉस, इस बार ऑपोजिट हो गया, 5000 का फर्नीचर आपने 4000 में बेच दिया, 1000 का आपको क्या हो गया लॉस, फर्नीचर है इधर, फर्नीचर सेलर है या बायर, उसके पास कैश है, इधर हम है, हमारे पास फर्नीचर है, हमने क्या किया फर्नीचर उसे दे दिया और कैश ले लिया, राइट, रिजल्ट क्या निकला, फिर वही फर्नीचर माइनस हो गया, कितने का 5000 का, कैश प्लस हो जाएगा, कैश जो हमारा प्लस कितने का होगा 4000 का, और कैपिटल माइनस कितने के साथ 1000 के साथ, राइट, कैपिटल जो है 1000 के साथ माइनस हो जाएगी जो लॉस हुआ है। फ्रेंड्स अभी तक हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन करी सभी में कुल मिलाकर अकाउंटिंग इक्वेशन में ये रिजल्ट निकल कर आया कि कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसके डबल इफेक्ट होते हैं, दो साइड उसका फर्क पड़ता है, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक प्लस एक माइनस। जैसे कि कोई भी हमने एग्जांपल ली, फर्नीचर परचेज किया फर्नीचर चला गया, फर्नीचर आ गया कैश चला गया, गुड्स खरीदी स्टॉक आ गया कैश चला गया, गुड्स बेची कैश आ गया स्टॉक चला गया, एक्सपेंसेस पे किए कैश चला गया कैपिटल माइनस हो गई,
मतलब इन शॉर्ट कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं बिजनेस में, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका दो साइड फर्क पड़ता है, दो साइड फर्क पड़ता है जो क्या है अपने आप ही इक्वेट कर देती है हर एक ट्रांजैक्शन को, हमारी बुक्स को, रिकॉर्ड्स को। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 36,000। तो उसमें क्या हुआ, कैश आया और कौन लेकर आया, प्रोप्राइटर। आपको पता है घर से कोई भी चीज बिजनेस में आती है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो एसेट साइड कैश हो गया 36,000 का और कैपिटल 36,000 की। सेकेंड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। इसमें क्या हुआ, स्टॉक आ गया और कैश चला गया। कैश 26,000 का रह गया, पहले 36 था, उसमें से 10 हमने पे कर दिया तो रह गया रिमेनिंग 26,000 और स्टॉक हमारा 10,000 का। 26 एंड 10 36,000 टोटल हो गया एसेट का और लाइबिलिटी एज इट इज ही है। थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000। हमने 8,000 की गुड्स सोल्ड करी हैं, 8,000 की गुड्स सोल्ड करी हैं, तो हुआ क्या, हमारा 8,000 का स्टॉक चला गया और कैश आ गया कितने का, 8,000 का। तो हमारा जो कैश था 26,000 था, 26 प्लस 8 34 और स्टॉक कितना रह गया रिमेनिंग, सिर्फ 2,000 रुपये का। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि जो स्टॉक है 8 का 8,000 का ही क्या हुआ, माइनस हो गया, उसमें हमने कुछ कमाया नहीं। अगर आपको प्रॉपर ट्रांजैक्शन में दिया गया है कि आपके पास 8,000 का स्टॉक आपने 10,000 में बेचा, फिर तो आपको क्लियर कट पता लग रहा है कि कितने की चीज कितने में बेची। तो 8,000 रुपए की चीज 10,000 में बेची तो 2,000 प्रॉफिट हो गया, 8-10,000 रुपए आपके पास कैश में प्लस हो गया और 8,000 रुपीज स्टॉक में माइनस हो गया, और जो 2,000 रुपए प्रॉफिट आपने कमाया वो कैपिटल में प्लस हो गया। पर इस क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है कितने की चीज आपने कितने में बेची, तो आप अजम्पशन अपनी तरफ से नहीं ले सकते कि प्रॉफिट मेरा कितना है। तो हमने क्या माना, अज्यूम क्या करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में कि भाई मैंने 8,000 की चीज 8,000 में ही बेच दी तो मुनाफा हुआ ही नहीं, ना लॉस हुआ, तो कैपिटल के ऊपर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, राइट फ्रेंड्स। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड हो गया थोड़ी। फोर्थ में रेंट पेड कितने का, 2,000 का रेंट पे किया है। रेंट पे क्या है, एक्सपेंडिचर, कैश चला गया। कैश हमारे पास पहले कितने था, 34, 2,000 चला गया तो कितना बचा, 32,000। स्टॉक 2,000 का ही है। अब आपको पता है जब हम एक्सपेंसेस पे करते हैं उससे क्या होता है, कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, प्रॉफिट लॉस एज एन एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होता है, उससे कैपिटल रिड्यूस हो गई, वो कितनी रह गई, 34,000। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, बॉट साइकिल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने क्या किया, एक साइकिल परचेज की है। पर्सनल यूज के लिए हमने कोई भी चीज खरीदी है वो ड्रॉइंग ही मानी जाती है। तो यहां पे हमारी देखा जाए जर्नल एंट्री बनती थी ड्रॉइंग टू कैश। कैश चला गया, कैश हमारे पास पहले था 32,000, अब वो माइनस हो गया, कितना रह गया, 16,000। स्टॉक 2,000 ही है और कैपिटल कितनी रह गई, 18। वो कैसे, पहले 34 थी और हमने जो पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग जो काउंट हुई वो 34 में से लेस हो गई, 16,000 बची 18,000, राइट फ्रेंड्स। ऐसे जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो वर्क करता है, ऐसे बुक्स चलती हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से। एक और क्वेश्चन है हमारा, इससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी, हमारा जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे तरीके से फिनिश हो जाएगा। केसीसी स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक ₹6,000। हमने बिजनेस जो स्टार्ट किया है बैंक बैलेंस के साथ 6,000 के साथ, तो बैंक बैलेंस आ गया 6,000 और इधर कैपिटल 6,000, राइट। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ₹1,000। आपने बैंक बैलेंस में से बैंक से ₹1,000 विदड्रॉ कर लिया
उसे क्या हुआ, बैंक बैलेंस आपका कम हो गया 1000 और आपके पास बिजनेस में कैश आ गया, कैपिटल आपकी उतनी की उतनी ही है 6000। थर्ड एंट्री क्या है, लोन फॉर रुपीज 5000 टेकन फ्रॉम वाई, आपने 5000 का लोन लिया, आपके पास कैश आ गया और लोन एज ए लाइबिलिटी खड़ी हो गई, तो आपका कैश पहला कितने था 1000, 5000 का आपने लोन लिया वो कैश कितना बन गया 6000, बैंक बैलेंस आपका 5000 ही है, लाइबिलिटी साइड लोन खड़ा हो गया 5000 का और कैपिटल पुरानी एज इट इज 6000 की ही है। फोर्थ एंट्री क्या है, सैलरी पेड 500 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 100, आपने जो सैलरी एज एन एक्सपेंसेस पे की है 500 की और अभी आउटस्टैंडिंग है 100 के लिए, तो देखा जाए एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका जो एक्सपेंडिचर है वो तो 600 ही हुआ है। तो 500 आपका कैश रिड्यूस हो गया, जैसे कि आपके पास कैश कितना था 6000, अब वो कितना रह गया 5500, बैंक बैलेंस एज इट इज ही है 5000, लोन एज इट इज ही है 5000, एक नई लायबिलिटी खड़ी होगी किसके नाम से, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, और देखा जाए आपका एक्सपेंडिचर जो है वो 600 का हुआ है ना कि 500 का, इसीलिए हमारी कैपिटल जो है 6000 से रिड्यूस हो गई, कितनी हो गई 5400। लास्ट एंट्री क्या है, फर्नीचर परचेज आपने किया है 2000 का एंड पेमेंट मेड बाय चेक, आपने जो फर्नीचर खरीदा है वो 2000 रुपये का खरीदा है और पेमेंट किसके थ्रू की है, चेक के थ्रू, फर्नीचर प्लस हो गया 2000 का और बैंक बैलेंस पहले 5000 का था, पेमेंट आपने करी 2000 की, बचा कितना 3000, कैश 5500 का ही है, राइट। तो हमारी एसेट्स हो गई 2 and 3 5 and 5500 10500, लोन एज इट इज है, आउटस्टैंडिंग एज इट इज है, कैपिटल भी एज इट इज ही है, राइट फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक जो था आपको बहुत अच्छे तरीके से मेरे हमारे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी ये रिप्रेजेंट करती है कि कैसे जो हमारी ट्रांजैक्शन है डबल साइडेड रिकॉर्ड होती है और कैसे वो वर्क करती है डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट के साथ, राइट फ्रेंड्स। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।